जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। समिति कर्मचारियों का कहना है कि धान खरीदी के बाद धान की नमी सूखना और उसका वजन कम होना स्वाभाविक बात है, लेकिन वजन कम होने पर अल्पवैतनिक कर्मचारियों से भरपाई कराई जाती है। पूरा मामला राजनांदगांव जिले का है, जहां मोहला, मानपुर और खैरागढ़ जिले के कुल 149 धान खरीदी केंद्र प्रभारियों ने अपनी दो सूत्रीय मांग को लेकर धरना दिया, जिसमें धान में सूखत लागू करने, प्रासंगिक व्यय और सुरक्षा निधि में वृद्धि करने की मांग सरकार से की। वहीं मांग पूरी न होने की स्थिति में कर्मचारियों ने अपने को धान खरीदी से पृथक रहने की चेतावनी दी है। जो मांग है दो सूत्री मांग, उसमें तो प्रमुख रूप से वही है कि शासन जो है धान में सूखत लागू करे और प्रासंगिक व्यय और सुरक्षा व्यय में वृद्धि करें। इन दोनों मांगों के यदि मान जाती सरकार तो हम इस साल धान खरीदी करेंगे, अन्यथा राजनांदगांव जिले के साथ खैरागढ़ जिला और मोहला जिला में टोटल 149 खरीदी प्रभारी द्वारा इस साल धान खरीदी का बहिष्कार नहीं करेंगे, लेकिन हम धान खरीदी से पृथक हो जाएंगे। इस तरह बोला जाए कि सहकारी समितियों द्वारा धान खरीदी नहीं किया जाएगा, सही है, क्योंकि सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को धान खरीदी करना है किसानों का जो अहम मुद्दा है और सरकार की मोस्ट प्रायोरिटी में है, और हम भी नहीं चाहते किसानों को असुविधा हो। और धान खरीदी करने से किसानों के में खुशहाली आई है और उसके लिए हमारी संघ के तरफ से सरकार को हम धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं, लेकिन धान खरीदी वाले करने वाले जो हम कर्मचारी हैं उनकी हमारी समस्याएं हैं, उस पर सरकार का हम ध्यान यात्री 2 साल से करा रहे हैं।